इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन में। जब हम सिक्योरिटी की वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ था, रिमूव योर सिक्योरिटी की एंड इंसर्ट इट अगेन इफ़ वाज इस बटन इज कॉल्ड डिस्क टैप टू इट। तो ये इशू यहाँ पर बार बार क्यों आता है ये भी मैं आपको बताऊँगा, तो ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये जो है सिक्योरिटी की हो सकती है या फिर आप अपना प्रमोट्स लगा रहे हो कुछ, तब भी ये इशू आता है। तो पहले बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की क्या है। अगर आपको नहीं पता तो सिक्योरिटी की फिजिकल टाइप में होती है, ठीक है। एक तो यूएसबी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं उसे, ठीक है, या फिर एनएफसी से, जो यहाँ पर आप अपने फ़ोन के बैकग्राउंड बैक पर लगाते हैं एनएफसी, उससे भी कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं। अगर इनमें से आपका कोई वर्क नहीं कर रहा होगा और आपकी फिजिकल की बस एक ही चीज़ से लगने के लायक होगी, एनएफसी से या ब्लूटूथ से, तो फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बाकी आप जो है यहाँ पर समथिंग वेंट भी आ रहा है तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन बेटर रखिएगा और हर चीज़ यहाँ पर ठीक रखिएगा। और कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा के स्टेप्स करते टाइम बैक मत आइएगा। अब यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लाइक अभी यहाँ पर हम टू स्टेप वेरिफिकेशन पे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा यहाँ पर सिक्योरिटी की, ठीक है। सिक्योरिटी की पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आगे फर्स्ट स्टेप, ठीक है, चाहे तो हम यहाँ से बदल सकते हैं, चाहे आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर ब्लैक स्क्रीन दिख रही हो तो उसके लिए सॉरी, बट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके यूएसबी को कनेक्ट करके या फिर एनएफसी से कनेक्ट करके अटैच जरूर कर दीजिएगा, तो वो आपकी जो है आपके अकाउंट से वो अटैच हो जाएगी और फिर जब भी आप लॉगिन करेंगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी टू स्टेप वेरिफिकेशन में भी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।